नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले डाल लेते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए किसान 16 मई को करेंगे आंदोलन। अपने अपने घरों में ही तख्तियों के साथ करेंगे प्रदर्शन। कर्ज मुक्ति से लेकर उचित दाम चाहते हैं किसान। राजस्थान में जारी है कारोबारियों की हड़ताल। राज्य की सभी थोक मंडियों में खरीद बिक्री है ठप। 2% किसान कल्याण सेस को वापस लेने पर अड़े व्यापारी। लॉकडाउन में सही दाम के लिए तरस रहे हैं किसान। एमपी में 2 से 3 रुपए तक पहुंचा प्याज का दाम। दिल्ली में टमाटर किसानों को भी भारी नुकसान। राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है टिड्डियों का खतरा। जुलाई में टिड्डियों के बड़े हमले की है आशंका। टिड्डी नियंत्रण में चूक पहुंचा सकती है किसानों को भारी नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण किसानों और मजदूरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसानों ने सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की मांग पूरी करने के लिए 16 मई को अपने अपने गांव में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय किसान सभा, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े 300 से ज्यादा संगठन कर रहे हैं। इसमें किसान अपने अपने घर के आंगन, बालकनी या छत पर खड़े होकर और अपनी मांगों की तख्तियां हाथ में लेकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि इस आंदोलन के जरिए किसान रबी की फसलों, वनोपज, सब्जियों, फलों और दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसल की C2 लागत पर 1.5 गुना दाम देने और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग उठाएंगे। हमारे देश के किसान, हमारे देश के आदिवासी, प्रवासी मजदूर और गांव में रहने वाले जो गरीब है, जो खास तौर से मजदूरी के कामों में लगे हुए, ये हमारी अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इस योगदान को हमारी केंद्र की सरकार, हमारे राज्यों की सरकारें उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, नकार रही है। नतीजा ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो दुख दर्द है इस कोरोना के संकट के चलते, इस लॉकडाउन के कारण, उसकी वो अनदेखी कर रहे हैं। और अनदेखी का यही नतीजा है कि 400 से ज्यादा प्रवासी मजदूर घर वापसी की कोशिश करते हुए मारे जा चुके हैं। और इसलिए किसान संगठन 16 मई को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश में बीड़ी कारखाने बंद हैं और इसका असर तेंदू पत्ता के संग्रह पर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि तेंदू पत्ता संग्रह और इसकी आपूर्ति में बाधाओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीड़ी श्रमिकों को रोजगार का संकट झेलना पड़ रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से बीड़ी कारखानों को चलाने की मंजूरी देने और कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 20 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते की कीमत 2500 रुपए रखी है। राजस्थान में कारोबारियों ने अपनी हड़ताल को 15 मई तक बढ़ा दिया है। यहां के कारोबारी अनाज मंडियों में लगाए गए 2% किसान कल्याण सेस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनकी माने तो इससे टैक्स चोरी बढ़ जाएगी और इसे किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले व्यापारियों ने 5 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन जब सरकार ने इनकी मांगों को अनसुना कर दिया तो इन्होंने अपनी हड़ताल को बढ़ा दिया है। इससे राज्य की सभी 247 अनाज मंडियां बंद पड़ी हैं। 247 मंडियां इसलिए बंद हो रही हैं कि ये जो फीस इन्होंने कृषि कल्याण फीस लगाई है, ये व्यापारी के लिए घातक है, किसान के लिए घातक है और उद्योग के लिए घातक है। किस व्यापारी अगर पड़ते से माल नहीं मिलेगा तो नहीं खरीदेगा, उस स्थिति में किसान बाहर भटकेगा मंडियों से बाहर और उसको असामाजिक तत्व उसका शोषण करेंगे और औने पौने दामों में फिर माल खरीदेंगे। 2% का उसका कोष स्थापित होकर किसान को सहायता दी जाए सरकार की तरफ से, तो इसमें व्यापारियों को, मंडी के व्यापारियों किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और उनको तो साथ देना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ 117 थोक मंडियां और जुड़ गई हैं। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब तक देश भर में ऑनलाइन मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। सरकार ने मई के अंत तक ई नैम से 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई मंडियों का शुभारंभ करते हुए तोमर ने कहा कि ई नैम के साथ एपीएमसी मंडियों का एकीकरण करने से किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने ई नैम के अलावा किसानों को गोदामों से सीधे व्यापार के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के संग्रह केंद्रों से सीधा कारोबार करने की भी सुविधाएं दी हैं। कोरोना संकट के बीच किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार न होने की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकारें इस समस्या से निपटने के लिए व्यापारियों को निजी मंडी लगाने और उसे मंडी समिति और बोर्ड के नियंत्रण से मुक्त करने के कदम उठा रही हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात सरकार ने भी अध्यादेश लाकर कृषि उपज मंडी समिति यानी एपीएमसी का दायरा सीमित कर दिया है। पहले एपीएमसी को पूरे तालुका में मंडी शुल्क लगाने का अधिकार था, लेकिन अब वो केवल अपने परिसर में होने वाली खरीद बिक्री पर ही मंडी शुल्क लगा सकेगा। जानकार सरकारों के इस कदम को मंडी व्यवस्था का निजीकरण बता रहे हैं, क्योंकि निजी स्थान पर चलने वाले कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस निजी मंडी में बदल जाएंगे। इससे खरीद बिक्री पर सरकार की निगरानी घटने और इससे किसानों के साथ धांधली बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मंडी व्यवस्था में बिचौलियों की संख्या बढ़ने, फसलों का मनमाना दाम लगाने और विवाद होने की सूरत में किसान का पक्ष कमजोर रहने जैसे जोखिम भी देखे जा रहे हैं। हालांकि सरकारें इससे किसानों को बेहतर और प्रतियोगी बाजार मिलने के दावे कर रही है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में एपीएमसी एक्ट बदलने के लिए ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाया जा रहा है। कैसा है ये फैसला, इसको समझते हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये किसानों के हक में रहेगा? ये बहुत दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि ये डब्ल्यूटीओ के उनके पहले प्रेशर, ये बिल्कुल किसान विरोधी फैसला है। ये नई बात नहीं है, सरकार बहुत दिन से प्रयासरत थी और आज ये जो माहौल है, जो कोरोना के नाम से जो वातावरण बना है, सरकार को बताए कि आज आंदोलन जो है वो बिल्कुल है नहीं कहीं भी। लोग जो है इस कोरोना और लॉकडाउन के चलते संगठित नहीं हो पा रहे हैं, आवाज नहीं उठेगी, और ये इन्होंने उचित मौका तलाश करके किसान को वो जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है उसकी तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मंडी एक्ट के बगैर किसान जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन सरकार का तो तर्क है कि ज्यादा बायर्स मिलेंगे किसानों को, किसान सीधे ग्राहकों तक अपनी फसल पहुंचा पाएंगे और उनका जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन के टाइम में मंडियों में खरीद शुरू नहीं हुई है और अभी जो भी चीज खरीदी गई है, अभी जैसे चना आया था, सरसों आई थी, गेहूं आया था, जौ आया था, जितनी फसलें भी आई हैं, वो मार्केट मंडी बंद होने की वजह से 1000-1200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से नीचे खरीदी गई है। तो सीजन था अभी, या चने का जो 4600 का भाव था, प्राइवेट जो व्यापारी आ रहा है किसान के पास, वो 3500 रुपए में उस चने को खरीद के ले जा रहा। जो सरबती गेहूं है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से में बोया जाता है, जिसको दिल्ली के बाजार में 3500-3700 रुपए में बेचा जाता है, वो 1700 रुपए में खरीदा जा रहा। ये जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कोई कंट्रोल है नहीं, व्यापारी सीधा आ रहा है, किसान को दिख रहा है कि मंडी बंद है, वो मजबूरी में उसको बेच रहा। तो हम मंडी एक्ट में ही जो चीजें निहित हैं जो किसानों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, हम उन्हीं को क्यों नहीं सशक्त करते, बजाय कि हम नया अध्यादेश लाकर प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में इसका संचालन दे दें? मैं आपको बताया, हमारा जो आंदोलन था, जो पिछले वर्ष हमने बड़ा एक किसान आंदोलन किया था, उसमें हमने सरकार को ये कहा था कि की तरफ ना जाके सरकार को इस मंडी एक्ट में वो अमेंडमेंट जो किसान हित में है वो करने चाहिए, किसान को उसकी लागत का लाभकारी मूल्य मिले। उसमें जो खामियां हैं हमने सुझाव दिया था, मैंने पहले भी आपको बताया कि आर्थिक को बंद किया गया, वो एक तय कीमत के नीचे मूल्य शुरू ना करे, तभी किसान उत्पादन है उसको उचित मूल्य पे बोझ पाएगा,
दो पैसे उसको बचत होगी, वो अपने परिवार को पाल पाएगा, अन्यथा जो है जो चल रहा है वो चलता रहेगा और प्राइवेटाइजेशन में तो बिल्कुल ही मर जाएगा। तो आपको लगता है कि इसमें विकेंद्रीकरण इसका हल है कि ज्यादा मंडियां सरकारी मंडियां ही उनकी संख्या बढ़े ताकि किसान जो है अपनी फसल को सही भाव पे बेच सके? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने सरकार को सुझाव दिया था कि वातावरण को देखते हुए सरकार टीमें गठित कर दे, जिले में ब्लॉक वाइज जो है वो डेट फिक्स कर दी जाए, किसान को सुविधाएं दी जाए, उसको मंडी तक ना आना पड़े, उसके गांव में जाए, एक दिन एक गांव में कांटा लगे उस गांव का अनाज तोड़ लिया जाए और सरकार के कर्मचारी लेके आ जाए, मत बुलाओ किसान को शहर में और मंडी में, आप वो कोई मुश्किल काम नहीं है जी। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो बहुत आसान काम है, सरकार के पास सारे साधन उपलब्ध है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये अध्यादेश लाकर बदलाव किए जा रहे हैं मंडी एक्ट में, वो कहीं ना कहीं जानकारों का कहना है कि किसानों के हक में लिया गया फैसला नहीं है। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हरियाली को पल में चट करने वाली टिड्डी दलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये अव्यसक टिंडिया, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर के अलावा पंजाब के फजिलका में भी दस्तक दे चुकी हैं। इस समय कपास और चारे के अलावा बागवानी फसलें ही खेतों में हैं जिन्हें ये टिड्डियां भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ये रेगिस्तानी टिड्डियां पाकिस्तान सीमा से आ रही हैं जिसका बड़ा हिस्सा इस समय इनका ब्रीडिंग ग्राउंड यानी प्रजनन क्षेत्र बना हुआ है। इसे देखते हुए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 8 मई को जारी अपनी चेतावनी में टिड्डियों से खाद्य सुरक्षा के खतरे वाले इलाके में भारत और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है। इसके मुताबिक 22 जून से 19 जुलाई के बीच टिड्डियों के एक बड़े हमले की आशंका है। दरअसल ये रेगिस्तानी टिड्डियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अपना सफर शुरू करती हैं और खाड़ी देशों और पाकिस्तान के रेगिस्तान के रास्ते भारत तक आती हैं। इस दौरान ये प्रजनन करते हुए आगे बढ़ती हैं। इनकी संख्या बढ़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन को मुख्य वजह बताया जा रहा है। खास तौर पर जलवायु परिवर्तन से सागर गर्म हो रहे हैं, इससे रेगिस्तानी इलाकों में भी भारी बारिश जैसे हालात बन रहे हैं जहां ये टिड्डियां अंडे देती हैं। अनुकूल मौसम मिलने से टिड्डियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। एक वर्ग किलोमीटर में फैले टिड्डियों के दल में 15 करोड़ तक टिड्डियां हो सकती हैं जो 35,000 लोगों के भोजन के बराबर हरियाली को चट कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। अनुमान है कि जुलाई में टिड्डियों का हमला तेज हो सकता है। इससे किसानों को बाजरा, मोठ, ग्वार, मूंग और तिल की फसलें चौपट होने का डर सता रहा है। टिड्डी की समस्या से हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं। पिछली बार जब जनवरी में टिड्डी आई थी उससे 6-7 महीने पहले से हम विभाग को बता रहे थे कि टिड्डी आ रही है। FOA का बुलेटिन लगातार हम देख रहे थे, उसमें बार बार ये वार्निंग थी कि इंडिया के अंदर टिड्डी का हमला होगा, लेकिन विभाग के अधिकारी सोते रहे। और जनवरी में जब टिड्डी का हमला हुआ तो हमारी सब फसल, रबी की जो फसल थी उसको नष्ट कर दिया, इस सब गोल जीरा पूरा चौपट कर दिया। और अब एक बार फिर FOA ने जो 8 मई को बुलेटिन जारी किया है उसके हिसाब से अब टिड्डी एक बार फिर आ रही है। और इस मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजू चौधरी एक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं कि क्या है ग्राउंड पर हकीकत टिड्डी दलों की। जी संजू बताएं, किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? एक्चुअली मैडम, यहाँ पे जो उत्तरी राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पे लगभग तीनों सीजन जो रबी खरीफ और जायद के अंदर जो किसान है वो मतलब फसल लेते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे मूंग की फसल की बुआई की जा चुकी है और लगभग जो पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था है वो हो चुकी है। मतलब यहाँ पे अगर टिड्डी आ जाती है तो हमारे जो एरिया है उसमें लगभग वनस्पति उसको मिल जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे जो मतलब सिचुएशन ये है कि जो सुपरवाइजर और मतलब जो भी फार्मर को हेल्पर की जरूरत होती है कृषि विभाग से रिलेटेड, जो टिड्डियों को नियंत्रण करने में या फिर उनको जो है कीटनाशी उपलब्ध करवाने के लिए जो उपलब्धता है वो मतलब नए के बराबर आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक जो अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर है वो टिड्डियां प्रवेश कर चुकी है, जो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी पर ही पड़ती है हमारे से जो टिड्डियों का एरिया है वो। तो आपके खेतों में अभी आपके खेतों तक टिड्डी दल पहुंचा है या नहीं और क्या आशंका है?
मैडम आशंका ये है कि जो टिड्डी दल है वो हवा के रुख के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो एक दिन में वो 150 किलोमीटर मतलब दूरी तय कर रहा है, तो हमसे लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर ही है वो। अगर टिड्डी दल आज रात को हमारे यहाँ खेतों में आ जाता है तो हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर सकें, और जो टिड्डियां हैं वो अगर यहाँ पे एक खेत में बैठ गई तो अगले दिन सुबह ही उठेगी, और जो वो जिस खेत के अंदर 1-1.5 किलोमीटर एरिए के अंदर बैठी है उस हिसाब से वो सुबह तक जो यहाँ कॉटन की क्रॉप है और जो मूंग की क्रॉप है उसका सफाया कर देगी पूरे तरीके से। सरकार का कहना है कि सारे महकमे पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, चाहे वो कीटनाशकों का छिड़काव हो या फिर जो पाकिस्तान से जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ बातचीत हो, ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मैडम जो किसानों के लिए जो तमाम कदम उठाए जाते हैं ना, इससे रिलेटेड सिर्फ कागजों और कागजी कार्रवाई के अंदर ही कदम उठाए जाते हैं, जो फील्ड लेवल पे और रियलिटी के अंदर जो किसानों तक सहायता मिलती है ना वो तब मिलती है जब किसी किसान के खेत के अंदर टिड्डी बैठ जाती है और वो उस खेत को साफ कर देती है, तब टिड्डी दल वाले जो कंट्रोल करने वाले हैं वो पहुंचते हैं। ये भी बताइए कि जो नेचर ऑफ अटैक है बिल्कुल ये बहुत चुनौती भरा है, कोई भी कितने ही सरकार के महकमे इसमें लग जाएं कोशिश करें तब भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी कि जो तमाम महकमे हैं उनको किसानों से किस तरह की मदद मिलनी चाहिए, क्या कोई दल बनाया जाए किसानों के साथ मिलकर, किस तरह की स्ट्रैटेजी गढ़ी जानी चाहिए? हाँ जी मैडम, इसके लिए किसानों पे जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटेजी है वो ये है कि किसानों को टिड्डियों के आने की जो मतलब कहाँ तक टिड्डियां पहुंच चुकी है इसकी सूचना आगामी जहां जहां तक जो मौसम विभाग है उसके द्वारा और जो फील्ड लेवल पर जैसे कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उनके द्वारा किसानों को दी जा सकती है डायरेक्ट, जो क्योंकि मैडम कोरोना के चलते यहाँ पे गाँवों के अंदर जो है न्यूज़पेपर वगैरह की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, तो अगर डायरेक्ट फील्ड के अंदर, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो फसलों की कटाई और इसका चल रहा है तो किसान लगभग खेतों में ही रह रहे हैं, तो उनके पास जाकर अगर कोई कीटनाशकों का अवेलेबिलिटी करवा दे या उनको बता दे तो वो या तो अपने लेवल पर या जो सरकार जो कह रही है कि वो कीटनाशक अवेलेबल करवा रहे हैं वो पहुंचे तो सही, ताकि जिस तरफ टिड्डी दल आए उससे पहले किसान अपने खेत में कुछ ऐसी दवाइयों का छिड़काव कर ले जो फसलों के लिए हानिकारक न हो और टिड्डियों को मतलब मार दे, ताकि जो दल है वो वहीं पर कंट्रोल हो जाए और आगे न बढ़ सके। यानी आप आपका सुझाव है कि जो किसान हैं वो खेत पर ही होते हैं और वो एक कान नाक आंख की तरह बन सकते हैं इस इन महकमों के लिए और उनकी सहायता से इस समस्या का निवारण हो। हाँ जी मैम, जो हमारे यहाँ पे अब सिचुएशन है, जो स्टाफ की व्यवस्था है, जो किसान के हेल्पर्स की है, वो ये है कि लगभग हमारे यहाँ पे जो एरिया लगता है पंडितावली का, वहाँ पे एक सहायक कृषि अधिकारी है और एक जो कृषि पर्यवेक्षक की है मतलब अवेलेबिलिटी, तो वो 150 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोरोना के चलते जहाँ पे आवाजाही भी बंद है वो कैसे हमें आकर बताएगा कि भाई जो आप है ये कीटनाशक का उपयोग करो, ताकि अगर टिड्डी आज रात को या कल भी अगर आपके यहाँ पे आ जाए तो आपकी फसलों का बचाव हो सके या नहीं, ऐसी कोई सुविधा हमारे पास है नहीं, और सरकार जो है इस बात को कान पे नहीं ले रही है कि मतलब इसके लिए जो आगे जो अन आकार पड़ सकता है इन टिड्डियों के इतने भारी दल से उसकी कोई किसानों के पास है नहीं सूचना। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये हमारे सामने ये पॉइंट्स रखने के लिए, और हम आशा करते हैं कि जब ये पॉइंट्स सामने पहुंचेंगे सरकार तक तो वो उन पर कुछ एक्शन लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर डिवीजन के कृषि विभाग से जॉइंट डायरेक्टर विजय कुमार पांडे जी। विजय जी ये बताएं कि किसान जो हैं, आपने सुना इन किसानों को, इनका कहना है कि वर्तमान में यहाँ पर बाड़मेर में बाजरे की फसल है, लेकिन जब जून में जब बारिशें होंगी उसके बाद और भी फसलों की बुवाई होगी, तो उसको देखते हुए लोग काफी आशंकित हैं कि टिड्डी दल उनकी फसलों को चट ना कर जाएं। क्या कहेंगे, आपकी क्या तैयारी है ग्राउंड पर? ऐसा है कि बिल्कुल भी आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है,
और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारा पिछले साल का भी अच्छा खासा अनुभव है, संसाधन और बढ़ा लिए गए हैं, इसलिए हम किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त कीटनाशी है, पर्याप्त मात्रा में स्प्रेयर्स हैं, और भी अधिक स्प्रेयर भारत सरकार मंगवा रही है, और हमारे जो स्टाफ है फील्ड का वो बिल्कुल अलर्ट पे है, और हम कितना भी बड़ा खतरा हो टिड्डियों का उसको निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। मैं अगर किसानों की तरफ से उनके मुद्दे और उनकी समस्याओं की लिस्ट सामने रखूं तो पहला है कि कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पोस्ट वेकेंट हैं, आपके पास ग्राउंड में स्टाफ की कमी है। दूसरी उन लोग की शिकायत है कि ठीक तरह से स्प्रे उतना इफेक्टिव तरह से नहीं हो रहा है, और जो मशीनें हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, वो भी उतने उचित संख्या में नहीं है। और उनका कहना है कि हमें क्यों नहीं कृषि विभाग रोकथाम में हमारी मदद लेता है, हम किसानों की जो हम नाक आंख कान बन सकते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, जहां तक स्टाफ की बात है, हम राजस्थान के दूसरे स्तर से हमने पहले भी यहां पे स्टाफ लगाया था, और अभी भी आवश्यकता पड़ने पर सरकार तुरंत लगा देगी, उसमें इस तरह करने की कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि किसानों की सहायता से ही हमने पिछले बार टिड्डियों का नियंत्रण किया था, किसानों के ही ट्रैक्टर वाले स्प्रेयर हमने लगाए थे और इस बार भी लगा रहे हैं, और जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ेगी उस हिसाब से ट्रैक्टरों की मात्रा भी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में भी हम किसानों को ही किराए पर ट्रैक्टर लेकर के और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, और टिड्डियां उससे काफी भारी मात्रा में मर भी रही है, और काफी अच्छा नियंत्रण हो रहा है, तो किसानों का पूरा पार्टिसिपेशन है। अच्छा, दूसरा ये कि किसान ही कई बार हमें सूचना देता है, जो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर है उस पर किसानों से भी सूचना आती है, जनप्रतिनिधियों से भी आती है, और जो ग्राउंड लेवल के हमारे वर्कर हैं, पटवारी, आरआई, कृषि पर्यवेक्षक, टीचर्स, इन सबसे भी हमें सूचना लगातार प्राप्त होती है, उसमें किसानों का और जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा सहयोग है। और ये बताएं कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोरोना के समय में कहीं लापरवाही हो जाए, और जो जिस तरह का समुचित ध्यान देना चाहिए वो चीज सामने नहीं आ रही, क्योंकि किसानों का लगातार ये कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है और यथार्थ में कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ, कोरोना अपनी जगह है, लेकिन गांवों के अंदर न तो कोरोना है, और इस कार्य के लिए अब अपने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी प्रिकॉशंस रखते हुए हम अपने स्प्रेस कर रहे हैं, हम देर रात तक स्प्रे करते हैं, हमने कल भी रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक स्प्रे किया है, और इस टिड्डी के नेचर के अनुसार हम अपने स्प्रेस को इधर उधर कर रहे हैं, इसके डोजेस फिक्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना की वजह से कोई ऐसा हो, जैसे कोरोना अपनी जगह है, वो जहाँ है वहाँ है, लेकिन हमारे लिए टिड्डियां भी उतनी महत्वपूर्ण है, और इसमें कागजी कार्रवाई ऐसी बात नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, इसको जो भी व्यक्ति इससे सहमत ना हो वो मुझसे बात कर सकता हूँ, मैं उसको वीडियोज भेज सकता हूँ, किसानों के किसानों से वो बात कर सकते हैं जहाँ पे हमने कंट्रोल किया है, और अभी वर्तमान में तो फसलें है ही नहीं कहीं पे, इसलिए जो रेगिस्तान में या खाली जमीनों पे या खेजड़ों पे बैठे तो हम उनको मार रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपके इन शब्दों से किसानों का हौसला बढ़ेगा और आश्वासन मिलेगा। धन्यवाद। लॉकडाउन में मंडियां बंद रही, इसलिए किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए, और जब मंडियां खुली तब भी किसान फसल नहीं बेच पा रहे हैं, आखिर क्या है इसकी वजह, देखिए ये रिपोर्ट। प्याज एक बार फिर आंसू निकाल रहा है, लेकिन इस बार ग्राहकों की नहीं बल्कि किसानों की बारी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में करीब 1.25 महीने के इंतजार के बाद सब्जी मंडी खुल तो गई और किसान यहां प्याज लेकर आए भी, लेकिन उसे बेच नहीं सके। उसका डीजल का पैसे भी नहीं मिल रहे हैं प्याज में। क्या भाव बिक रहे प्याज? प्याज 2 रुपए किलो बिक रही है साहब, ये वाली प्याज है, ये बोल्डर प्याज, क्या खाएगा किसान 2 रुपए किलो में बेच के इसको, जेल खाने की संभावना में है वो सरकार के नाम पे। सुबह जल्दी 4 बजे से करीबन गाँव से निकले और यहाँ मंडी में आए, कहीं व्यवस्था भी नहीं है, और प्याज बहुत कम भाव में बिक रही है। क्या भाव में? 200 रुपया कट्टी 300 रुपया कट्टी में बिक रही है। भाड़ा निकल रहे आप? नहीं निकले, खर्चा कुछ भी नहीं निकली, ऐसी सरकार है यहाँ बीजेपी की। शाजापुर मंडी से प्याज देश के कई हिस्सों में जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये मंडी बंद कर दी गई। अब जब दोबारा खुली है तो यहाँ प्याज का भाव 2 से 3 रुपए पर ही अटका हुआ है। प्याज का सही दाम नहीं मिल रहा है अभी, प्याज का 2 रुपए 2.5 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीदा जा रहा है, जो कि लागत से बहुत कम है, हमारी लागत ही है 5 से 6 रुपए किलो के समथिंग। किसान की तो आजीविका का खतरा हो गया है,
उसको खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। जो उसके पास 2 महीने 3 महीने का राशन था, किराने का सामान था, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। अब क्या करें, अब उसी लिए वो प्याज बेचने के लिए मंडी में आ रहा है और प्याज के दाम 2 रुपये होने के कारण वो मजबूरन घर ले जाने के लिए वो घर ले जा रहा है, मंडी में माल ला रहा है। तो रतलाम का हाल तो इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। यहाँ प्याज 1.5 रुपये में बिक रहा है। हालांकि मंडी के अधिकारी इस हालात के लिए डिमांड और सप्लाई के नियम को वजह बता रहे हैं। ये तो डिमांड पे और सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ते हैं, और सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है तो रेट घटते हैं। इसका मतलब ये मान सकते हैं अभी लॉकडाउन का असर जो है वो प्याज पर भी पड़ा है। वो डिमांड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो प्याज जा ही नहीं रहा। हाँ, डिमांड पे ही सप्लाई है, उस हिसाब से रेट डिसाइड होता है। प्याज को थोड़े दिन तक रखा जा सकता है, इसलिए किसानों के पास इंतजार करने का वक्त है। लेकिन टमाटर उगाने वाले किसानों के सामने ये रास्ता भी नहीं है। हरियाणा के किसान रमेश ने दिल्ली में करीब 131 क्विंटल टमाटर 46,275 रुपए में बेचा, यानी किलो के हिसाब से 4 रुपए से भी कम कीमत। अब इसमें से अगर 4,208 रुपए मंडी का खर्च और 17,640 रुपए भाड़ा भी निकाल दें तो रमेश को मिले 24,427 रुपए, यानी 1.86 रुपए प्रति किलो का भाव। अब इस दाम में लागत और मजदूरी भी घटा दें तो मुनाफे की बात दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। ये कहानी कुछ एक किसानों की नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान साग सब्जियां उगाने वाले ज्यादातर या कहें कि सभी किसानों की है। लेकिन सरकार तो ये कह चुकी है कि किसानों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार से इन किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर हो पाएगा, इसकी उम्मीद फिलहाल बेमानी सी ही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से विनोद जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर हम ANM वर्कर्स और जो आशा वर्कर्स हैं उन सभी को स्वराज एक्सप्रेस टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और उनका जो सराहनीय काम है इस कोविड संकट के दौर में, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आप सब दूर दराज इलाकों में, गाँव में, ब्लॉक्स में जो महिलाओं की, बच्चों की, लोगों की जो सेवा कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी सेहत का ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।